अगर आप अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाए हैं या फिर आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवाए हैं, आपको भी इस तरह से एक एक्नोलॉजमेंट स्लिप मिला हुआ है और आपको ये नहीं पता है कि आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट हुआ है या नहीं, या फिर आपके बच्चे का आधार कार्ड बना है नहीं, अगर बन गया तो उसे आप किस प्रकार डाउनलोड करेंगे, उसका स्टेटस किस प्रकार देखेंगे, वो मैं आपको बताने वाला। अगर आपको ये नहीं पता है कि स्टेटस किस प्रकार दिखा देता है, पर्ची की मदद से आप स्टेटस किस प्रकार देखेंगे, ये आपको जानना है। मैंने इसके ऊपर एक पहले से वीडियो बना कर रखा है, आप ऊपर आई बटन पर देख सकते हैं जाके। अगर आपका स्टेटस कंप्लीट हो चुका है, आपका बन चुका है, तो आप उसे आधार कार्ड को डाउनलोड किस प्रकार करेंगे वो भी पीडीएफ में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। आप स्टेटस देख रहे हैं और आपका स्टेटस इस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है, यानी आपका स्टेटस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका आधार कार्ड जनरेट हो चुका है, आप इसे वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको स्टेटस देखना नहीं आता है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ देख कर सीख ले। अगर आपका भी स्टेटस में कंप्लीट हो चुका है और आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है, तो आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर आना है, यानी आप क्या करना है, uidi.gov.in आना है और गेट आधार वाले ऑप्शन पर डाउनलोड आधार का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आएगा, नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड आधार का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, आधार नंबर, अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर है तो आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, लेकिन आपके पास पर्ची है, इनरोलमेंट आईडी है, तो यहाँ पर आपको इनरोलमेंट आईडी सेलेक्ट करके इनरोलमेंट आईडी डालना है और उसके बाद कैप्चा कोड डालना है। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात ध्यान देना है, ये जो इनरोलमेंट आईडी है आपको कैसे डालना है, कहाँ से डालना है, कहाँ पर रहता है, आपको नहीं पता है तो पहले आप सीख ले कि इनरोलमेंट आईडी में कौन सा नंबर डाला जाता है। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाए, वहाँ पर वीडियो है, उस वीडियो को देखें। जब यहाँ पर इनरोलमेंट आईडी डालेंगे और कैप्चा कोड डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को क्या करना है, नीचे यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे ओटीपी डालने का ऑप्शन है, यहाँ पे ओटीपी को डाल लेना है, ओटीपी डालने का वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल दिया है और यहाँ से वेरीफाई करते हैं, और जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका आधार कार्ड तुरंत सेकेंडों में डाउनलोड हो जाएगा, देख सकते हैं मेरा डाउनलोड हो चुका है। चलिए इसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, और पासवर्ड में आपको क्या डालना है, आपके आधार कार्ड में जो नाम है उसका पहला 4 लेटर कैपिटल लेटर में, और उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर होता है उसे डालना है। तो चलिए यहाँ पे डालते हैं, डाल के जैसे ओपन करेंगे आपका यहाँ पे आधार कार्ड पीडीएफ में आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर मेरा आधार कार्ड पीडीएफ में आ चुका है। तो इस तरह से आप क्या करें, अगर आपके पर्ची है, इनरोलमेंट आईडी नंबर है, तो वो डाल के आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।